السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأبذة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتا اللهم فقهنا في الدين آه رمضان के बारे में इंशाल्लाह आज हम लेंगे रमजान का महीना देखें बड़ा मुबारक महीना है जो कि रमजान आने वाले हैं और एक मोमिन को रमजान आने से पहले ही रमजान की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि रमज़ान की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं और पूरे साल में ये महीना जो है एक ही बार हमें मिलता है और इसके अंदर नाकाम हो जाता है वो शख्स के जिस पर यह महीना आया आकर चला गया लेकिन उसने अपनी मखफरत नहीं कराई ठीक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया त्रिमिजी की रिवायत है के नाकाम हो गया वो शख्स जिस पर रमदान का महीना आया आकर चला गया लेकिन वो अपनी मगफिरत भी ना करा सका तो जा सही उल जामी है यानी काफी हद उसमें ये हदीस की किताबों में ये वाली हदीस तो हमें जो है इसका खास तौर से एहतमाम करना है रमदान का ऐसा ना हो कि हम नाकाम हो जाए इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी है क्योंकि सहाबा राम भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा राम भी इसकी तैयारियों में लग जाया करते थे रमदान आने से पहले पहले आ, फिर देखें कि रमजान में महरूम रहना क्या है यानी इस महीने अगर ये महीना आ गया और इसमें महरूम रहे तो इसके इसके लिए देखिए क्या है एक हदीस मिलती है कि बिन उजारा उजरा रील फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम्बर के पास जमा हो जाओ यानी आपने लोगों को बुलाया कि आ जाओ और मम्बर के पास आकर जमा हो जाओ हम मिंबर के करीब जमा हो गए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा यानी जो स्टेप होती है मिंबर की जब उसके पहले स्टेप पर पहले जीने पर कदम रखा तो कहा आमीन फिर दूसरे जीने पर कदम रखा तो कहा आमीन फिर तीसरे जीने पर कदम रखा तो कहा आमीन फिर जब आप नीचे उतर गए तो हमने पूछा यानी साहबा कर कहते हैं हमने पूछा ए अल्लाह के रसूल हमने आज आपसे एक ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी आपने फरमाया अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा दूरी हो दूरी मतलब होता है हलाकत से दूरी बर्बादी तो दूरी हो उसके लिए जिसने रमदान का महीना पाया लेकिन फिर भी उसमें मखफिरत नहीं हुई मैंने कहा आमीन जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो उन्होंने कहा दूरी हो उसके लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ हो और वो आप पर दुरूद नहीं भेज पाया यानी जिस उसने दुरूद नहीं भेजा फिर मैंने कहा आमीन फिर जब मैं तीसरे जीने पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा दूरी हो उसके लिए जिसने अपने वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनके बाईस वो जन्नत में दाखिल ना हुआ यानी उनकी उनकी खिदमत ना करी तो मैंने कहा आमीन तो देखें कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर आमीन कह दें तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब तो यह है कि वो दुआ पूरी होनी ही होनी है वो वो दुआ अल्लाह ताला के पास जाएगी और पूरी होगी और वैसे भी किसी भी नबी की दुआ जो है वो टाली नहीं गई हर नबी की दुआएं जो है वो कबूल हुई हैं नबियों की दुआ कबूल होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर आमीन कह हैं यानी एक तो देखें कौन शख्सियत है यानी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कह रहे हैं तो इस दुआ की कैफियत हम समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रोंग है ये दुआ कि वाकई अगर किसी के पास ये महीना आ गया और आके चला गया और उसने उस महीने को सोकर गुजार दिया आ, दिन में सोए रात को थोड़ा सा जाग लिए पूरे दिन चैट में लगे रहे या अपने या टीवी में या इन सब कामों में लगे रहे और इबादत भी ना कर सके और इसको गवा दिया तो क्या होगा या किसी ने रोजे ना रखे हो क्योंकि बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो कि जिन पर यह महीना आता है और आकर चला जाता है और वो इससे महरूम रह जाते हैं और वो जानबूझकर उसको छोड़ देते हैं और रमजान में यानी रमजान जो है वो बरकतों वाला महीना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर रमजान आया है जो एक मुबारक महीना है तो इससे क्या पता चला कि रमजान जो है एक मुबारक महीना है इसको वेस्ट नहीं करना इससे फायदा उठाना है इसमें बरकतें ही बरकतें नाजिल होती हैं और रमज़ान जो है वो गुनाहों के कफारे का सबब भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच नमाजे और एक जुमा दूसरे जुमे तक और एक रमदान दूसरे रमदान तक होने वाली खताओं का कफारा बन जाता है जबकि आदमी कबीरा गुनाह से बचता रहे यानी एक रमजान आया और फिर दूसरा रमजान आया इस बीच जितना पीरियड हमारा निकला वो गुनाहों का कफ्वारा बन जाता है तो कितनी कितनी ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत है ना अल्लाह ताला ने हम हमें ये महीना दिया और कहा कि अपने आप को बख्शवा लो इस महीने में और फिर ये देखें कि अपनी नफ्स पर हमें खुद कंट्रोल करना है क्योंकि इंसान जो है अपने आप पर खुद कंट्रोल नहीं कर पाता और सारा इल्जाम किसके ऊपर लगाता है पूरे साल इल्जाम किसके ऊपर लगा देता है शैतान के ऊपर कि शैतान ने हमें वरगला दिया शैतान ने ये काम करवा दिया शैतान ने ये काम करवा दिया लेकिन रमदान के महीने में सरकस शयातीन जो वो है वो कैद कर दिए जाते हैं इसलिए अपने आप को खुद परखें क्योंकि इंसान को गुनाह करते करते आदत हो जाती है उसके नफ्स को आदत हो जाती है और फिर वो गुनाह कर बैठता है जबकि अब तो रमजान में अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं कोई काम ऐसा कर रहे हैं अल्लाह ताला की ती का तो वो शैतान नहीं करवा रहा बेचारा तो अब कैद हो गया वो नहीं करवा रहा हमसे काम हम खुद कर रहे हैं अब अब अपने आप को मलामत करें फिर अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब रमजान की पहली रात होती है तो जिन्हों में से सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं यानी महीना भर उसका कोई दरवाजा नहीं खुलता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं महीने भर उसका कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता एक निदा यानी आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है निदा देता है खैर के तालिब ए खैर के तलब करने वालों आगे बढ़ो और ए शर के इरादा करने वालों रुक जाओ और अल्लाह कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद कर देते हैं ये त्रिमिजी की भी रिवायत है इब्ने माजा की भी है हाकिम की भी है बहती की भी है तो शयाती, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखें अब शयाती, अब शयातीन नहीं है जो हमें वर्गलाएंगे जंजीरों में कैद कर दिए गए इसलिए अब इबादतों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और रमजान की तरह कोई और अमल नहीं यानी अबू उमर रजी अल्लाह तला से रिवायत है फरमाते हैं मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल मुझे कोई हुक्म दीजिए कि मैं बराज उस पर उसको करूँ उसका आगाज करूँ तो आपने फरमाया रोजे का एहतमाम किया करो क्योंकि रोजे की तरह और कोई अमल नहीं है और रोजा मगफिरत का भी जरिया है यानी रोजा रोजा रख इंसान अपनी मगफिरत कराता है मगफिरत का जरिया है रोजा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी मगफिरत करानी चाहिए और रोजा जहन्नम से आज़ादी का सबब भी है अल्लाह के रसुल ने फरमाया अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से कुछ लोगों को आज़ाद करते हैं और ये हर रात को होता है सुबहान अल्लाह यानी अगर जहन्नम से निजात मिल जाए तो कितनी बड़ी आज़ादी है वो तो जहन्नम से ढाल है रोजा रो रोजा रख इंसान जो है वो बचा रहता है बहुत सारी बुराइयों से बचा रहता है जहन्नम और सबसे बड़ी जो आफत है उसको जहन्नम यानी सबसे बड़ी आफत उससे इंसान बचा रहता है और फिर रोजा रोजे का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तो ये कि एक तो रोजा अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमें रखना ही रखना है इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है हाँ मोमिन की बात यहीं पर ही स्टॉप हो जानी चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है और फिर उसके बाद रोजा अगर हम इस पर गौर करें तो रोजा नफ्स की बीमारियों का इलाज भी है और तकवे का सबब भी है नफ्स जो हमारा कंट्रोल नहीं होता ना रमजान के महीने में इंसान उसको कंट्रोल कर लेता है आप देखें कि कितने लोग मुस, मुसलमान भी ऐसे हैं कि वो आ, सिगरेट भी पीते हैं आ, वो जो है शराब भी पीते होंगे गुनाह के काम करते होंगे लेकिन रमजान के महीने में हो सकता है कि वो रोजा रखें और रोजा रख कर वो इन बीमारियों से और इन बुरी आदतों से भी बच जाते हैं अपने डफ्स पर कंट्रोल कर पाते हैं तो आपसे सबने फरमाया ए ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिया गया ताकि तुम तकवे की राह इख्तियार करो ये किसमें है ये अः बकरा की आयत है और फिर हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र के महीने यानी रमजान के रोजे और हर माह के तीन रोजे सीने में मौजूद खराबियों को निकाल देते हैं यानी अगर हमें अपनी खराबियों को निकालना है हमारे अंदर से बुराइयों को निकालना है तो रोजा बेहतरीन अमल है यानी रोजा अगर रख कर इंसान बहुत सारी बुराइयां अपने अंदर से निकाल सकता है इसलिए क्या फरमाया हर महीने के तीन रोजे और रमजान का पूरा महीना अगर इंसान रोजे रखे तो वो अपने नफ्स की बुराइयों से बच जाता है और फिर देखें कि सहरी आती है Uh, क्योंकि रोजा रख कर सहरी करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद ज्यादा प्यारी होती है और वो सहरी जैसी बरकत से महरूम रह जाते हैं Uh, कुछ जानबूझकर उठ नहीं पाते नींद का गलबा इतना होता है तो कोशिश करें कि सहरी जो है वो करा करें क्योंकि सहरी की बहुत ज्यादा फजीलत है अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहरी किया करो इसलिए कि सहरी में बरकत रख दी गई और और आपको पता है सहरी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरियत को मिली इससे पहले कुछ शरीतों में शहरी नहीं, नहीं थी नहीं। और शहरी करना जो है बरकत है तो रमजान में सहरी करनी चाहिए चाहे इंसान एक खजूर खाकर पानी ही पी ले तो सहरी किया करें और फिर अगर रमजान में बीच में कोई भूल चूक से खा लिया किसी ने कुछ यानी ऐसा होता है ना कि शुरू शुरू में या जो एजिट लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं या जिनको भूलने की आदत होती है तो भूले से कुछ खा पी लेते हैं तो लेकिन अल्लाह ताला इतने गपूर रहीम है कि भूल चूक माफ कर दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भूल चूक उठा ली गई तो जिसने भूल कर रोजे की हालत में कुछ खा पी लिया वो अपना रोजा पूरा करे क्योंकि अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया है ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है ठीक है तो भूल चूक जो है वो माफ होती है रोजे में और फिर देखें कि अगर किसी का खात्मा रोजे पर हुआ उसका क्या होगा यानी किसी ने रोजा रखा और रोजे की हालत में वो इंतकाल फरमा गया उसका इंतकाल हो गया उस वो फौत हो गया तो फिर क्या होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका खात्मा किसी दिन के रोजे पर हो और वो जन्नत में दाखिल होगा यानी सीधा जन्नत में और और जन्नत में भी और रोजेदारों का तो इतना बड़ा रुतबा है कि अल्लाह के नजदीक के रोजेदार के लिए अल्लाह ताला ने एक अलग से दरवाजा तैयार किया है कि सिर्फ उसमें से रोजेदार ही दाखिल होंगे और कोई उसमें से दाखिल नहीं हो सकता रोजेदार जो है वो बाबुल रैयान से जन्नत में दाखिल होंगे यानी जिस जो दरवाजा है जन्नत का जिससे रोजेदार दाखिल होंगे उसका नाम रैयान है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार ही दाखिल हो सकता है और कोई दाखिल नहीं हो सकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक दरवाजा रैयान है जिससे क्यामत के दिन रोजेदार दाखिल होंगे उनके सिवा उससे कोई दाखिल नहीं होगा कहा जाएगा कहाँ है रोजेदार यानी पुकार होगी कहाँ है रोजेदार वो खड़े होंगे और उससे दाखिल हो जाएंगे उनके दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाएगा फिर उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा तो ये सिर्फ किसको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ रोजेदार को ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है तो रमजान की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से करें और पूरे महीने के रोजे रखें और बहुत खुशी और खुजू के साथ रोजे रखें बहुत खुशी और सवाब की नीयत के साथ रोजे रखें और फिर पयाम रमज़ान की फजीलत अच्छा आप रमजान आया आप इबादत भी कर रहे हैं और रात को क्याम भी करना है इसका भी एहतमाम करना है अगर कोई बीमार नहीं है सेहतमंद है कर सकता है तो कयाम कयाम रमदान की का भी एहतमाम करे यानी रात को तरा भी पड़े तो आप वसल्लम ने फरमाया और फिर देखे जिसने इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी रमजान में तो उसका अजर भी कई गुना बढ़ जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इमाम और ईमान और सवाब की नियत से रमजान का क्याम किया उसके पिछले सारे गुना माफ कर दिए जाएंगे तो रात को तराबी भी पढ़े भी पढ़े इनका एहतमाम भी करे यानी तराबी को क्या कहा जाता है क्यामैल ठीक है तो उसमें से आ, कुछ हिस्सा रात का जब हम खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं आ, और नमाज नफिल अदा करते हैं और क्या आ, नमाज पढ़ते हैं या आ, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं तो उसको कयाम लईल कहा जाता है लईल कहते हैं रात को यानी अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है और तहजुद जो है वो खासतौर से रात का हिस्सा होता है तरावी का अहतमाम करें इसमें तर, तरावी क्यामैल ही कहलाती है तो तरावी का अहतमाम करना है और इसका बहुत बहुत ज्यादा सवाब भी है क्योंकि इसमें आप सल वसलम ने फरमाया जो ईमान के साथ नमाज पढ़े यहाँ तक के इमाम नमाज पूरी कर ले उसके लिए पूरे रात कयाम का सवाब लिख दिया जाता है तो ईमाम के पीछे पढ़ना उसका भी बहुत ज्यादा सवाब है मर्दों को खास तौर से तरावी का जो है मस्जिदों में जाकर ईमान के पीछे तरावी पढ़नी चाहिए औरतों को छूट दी गई वो अपने घरों में भी पढ़ सकती हैं और ईमान के पीछे भी पढ़ सकती है और फिर देखें आ, कुजा कबीला के एक शख्स से एक शख्स आया उसने अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल आ, भला बताए अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं और पांच वक्त की नमाजें भी मैं पढूं रमजान के रोजे भी रखूं और कयाम रमजान का भी एहमाम करूं यानी रात को तरावी का और जक़ात भी दूं तो उस पर मुझे क्या मिलेगा तो आप वसल्लम ने जवाब दिया जिसका खात्मा इस समल पर हो वो सिद्दीकीन और शहदा में से होगा अल्लाह सिद्दीकीन और शहदा हम हर वक्त दुआ मांगते हैं ना अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करना हमें सिद्दीकीन के साथ उठाना हमें शहदा के साथ उठाना और शहीद का रुतबा कितना बड़ा होता है और अगर हम इन सब चीजों का एहतमाम करेंगे सिर्फ चंद चीजें बता दी थोड़ी सी चीजें इतना इस्लाम जो है इतना इजी है और इस्लाम को फॉलो करना इतना ज्यादा इजी है कुछ चीजें बता दी अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो क्या होगा हमारा हमारा शुमार किस में होगा शहदा में से होगा सिद्दीकीन में से होगा और फिर देखें रमजान में तिलावत कुरान के फजाइल तिलावत कुरान का एहतमाम करना है क्यामत के दिन रोजे और कुरान सिफारिश करेंगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे रोजा कहेगा ए रब मैं इस बंदे को दिन में खाने पीने से और शहवतों से मैंने रोके रखा लिहाजा उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कीजिए कुरान कहेगा ए मेरे रब मैं मैंने इसे रात में नींद से दूर रखा लिहाजा उसके, उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कीजिए इस पर उन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी अल्लाह मसनद अहमद की रिवायत यानी अगर हम कुरान का अहतमाम करें तिलावत कुरान का अहमाम करें तरावी में कुरान का हिस्सा पढ़े कुरान पढ़े तो कुरान जो है हमारे लिए सिफारिश करेगा रमदान और रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा और अल्लाह ते भी खुशखबरी दे रहे हैं कि उन दोनों की जो सिफारिश है वो कबूल भी कर ली जाएगी तो भला बताएं जो कुरान का अहतमाम ना करे कुरान ना पढ़े रमजान में तो वो कितनी बड़ी सादत और कितनी बड़ी नमत से महरूम हो जाएगा सिफारिश जैसी नमत से जो कि कुरान करेगा उसके लिए आकर इसलिए खास तौर से रमजान में अः दौरा कुरान का अहतमाम किया जाता है क्लासेस सारी बंद हो जाती हैं और दौरा कुरान किया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिब्रील लमीन को अः रमदान में कुरान सुनाया करते थे पूरे कुरान का दौर किया करते थे तो हमें भी कुरान को रमदान में समझ समझ के गौर और फिक्र से उसको पढ़ना है और दौरे कुरान का अहतमाम करना है इसलिए हम जो हमारी एकेडमी है वो दौरे कुरान जो है वो कर रही है रमजान में आ, जो अब आपको जो डेट्स दे दी गई है उसमें जो दौरे कुरान किया जाएगा उसमें आपको रेगुलर आना है और नीयत से आना है कि यहाँ पर बैठना जो है बहुत ज्यादा सवाब कबाई से और ये जो कुरान हम पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं क्योंकि सुनने से दिलों पर ज्यादा असर होता है जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे उस पर अमल भी करना है और ये मेरे हक में सिफारिश भी करेगा इसलिए खास तौर से दौरे कुरान का अहमाम किया जाता है इसलिए दौरे कुरान भी किया जा रहा है आपको आना है आपको सुनना है अपने बच्चों को भी अगर टाइम हो अपने बच्चों को भी लेकर बैठे खुद भी लेकर बैठे और आसपास अगर आप लोगों को सुना सकते हैं तो आसपास वाले लोगों को सुनाएं या अपन जो आप ज्वाइन फैमिली होती है सब मिलकर सुने बैठे और सुने खास तौर से इसका एहतमाम करें और फिर दुआ दुआ इज़ वेपन ऑफ द बिलीवर दुआ कर रखा खास, खास तौर से दुआ का अहमाम करें रमदान में क्योंकि रोजेदार की दुआ कबूल होती है ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे बहुत दुआएं मांगे और खास तौर से अवतार के वक्त दुआएं मांगे रोजेदारी रोजेदार की दुआ कबूल होती है अल्लाह की रसूल ने फरमाया तीन लोगों की दुआएं कबूल की जाती हैं रोजेदार की दुआ मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दुआ की और उसको जल्दी से जल्दी कबूल नहीं हुई और मैंने कहा अल, अल, अल्ला, अल्लाह मेरी दुआएं तो कबूल नहीं हो रही मैं तो इतनी गुनेगार हूँ मैं कब से दुआएं कर रही हूँ दुआएं कबूल नहीं करी तो दुआओं की कबूलियत में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बस दुआएं करें हाँ कबूल होगी क्योंकि रोजेदार की दुआ कबूल की जाती है और रमज़ान में सखावत के भी फज़ाइल देखें रमज़ान में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया करें ज्यादा से ज्यादा रमज़ान में सदका करें ज़कात दें अः क्योंकि रमज़ान में ख़र्च करने का सवाब ज्यादा होता है इसलिए लोग ज्यादातर सदक़ा जो है वो ज़कात रमज़ान में निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतम करें सखावत का जक़ात के अलावा आप इमदाद भी दें ज़क़ात के अलावा आप सदका भी करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सखावत में बढ़ जाते थे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे यानी सबसे ज्यादा दिया करते थे लोगों को और आपकी सखावत उस वक्त बढ़ जाती जब आप रमजान में जिब्रील अलैहि सलाम से मिला करते और जिब्रील अलैहि सलाम रमजान में हर रात आपसे मुलाकात मुलाकात किया करते यहाँ तक कि महीना खत्म हो जाता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्म अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते पा, और उसके पास जब आप अलैहिस्सलाम से मिलते तो आपकी सखावत तेज हवा से भी ज्यादा बढ़ जाती तो ज्यादा से ज्यादा हमें रमज़ान में हमें भी सखावत बढ़ानी है बुखारी की रिवायत है आप आपल्लम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया करते थे और रमजान के महीने में जो उम्र करता है उसकी भी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं क्योंकि बहुत लोग रमज़ान में उम्र किया करते हैं अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वसल्म ने अनसार की एक औरत उम सिनन से फरमाया जब रमजान आ जाए तो उसमें उम्र करना इसलिए कि रमज़ान में उमरा उमरा हज के बराबर होता है एक और रिवायत में है कि मेरे साथ हज के बराबर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना क्या हम ये ख्वाब में भी सोच सकते हैं और कितना यानी कितना ज्यादा सादत की बात है और कितनी बड़ी नेमत होगी कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करे हर मोमिन का मेरे ख्याल में सपना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करे और जब उमरा करते हैं रमदान में तो इसका स्वभाव कितना है और कैसे जैसे कि मेरे साथ हज किया हो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया हो तो अब अब फिर देखें कि रमजान का वेलकम रमजान का वेलकम करें रमजान की खुश आपको किस तरह करनी है रमजान आने वाले ना कुछ ही दिन बचे हैं रमजान के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबक क़राम भी जोरों शोरों से उसका वेलकम किया करते थे तो किस तरीके से किया करते थे आयशा रजी अल्लाह तु है कि आप वसल्लम ने कभी भी पूरे महीने रोजे नहीं रखे सिवाय माह रमजान के और वो किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखे थे जितने शाबान के महीने में रखे सही उल बुखारी यानी इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि आप वसल्लम रमजान के लिए अपने आप को तैयार करते उससे पहले जो महीना आता है ना शाबान का महीना जो पहले आता है उसमें आप वसल्लम रोजे रखा करते थे और क्यों रखा करते थे उससे रमजान की तैयारी होती है ताकि रमजान की आदत हो जाए रोजे रखने की आदत हो जाए ठीक है तो इस तरह और हमें भी जिस तरह हमसे बन पड़े हमें तैयारी करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम पूरे महीने शाबान के पूरे महीने रोजे रखे जितना हमसे हो सके हम कर सकते हैं और फिर जब रमजान आ जाए यानी रमजान की आदत हो गई रोजा रखने से फिर देखें कि अगर रमजान आ जाए तो क्या करें चांद देखें और चांद देखकर दुआ करें क्योंकि चांद का चांद को देखना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम जो है वो चांद देखा करते थे और चांद देखकर दुआ किया करते थे रमज़ान के चांद को देखा करते थे और क्या दुआ करते थे अल्ला, अल्ला। ये दुआ किया करते थे तो रमज़ान में भी हमें क्या करना है नया चांद देखना है और चांद देखकर दुआ करनी है कि ये महीना हमारे ऊपर अमन के साथ आए ईमान के साथ आए सलामती के साथ आए इस्लाम के साथ आए ठीक है जो कि मेरा रब है अल्लाह यानी इतनी बेहतरीन दुआ है ये कि महीने का आगाज दुआ से किया जा रहा है और रमज़ान के महीने में ही देखें कि कुरान नाजिल हुआ था रमजान के महीने में ही कुरान जो है लोहे महफूज पर उतारा गया था तो रमज़ान जो है वो कुरान के नुजूल का महीना है और कुरान किसकी किताब है अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं अल्लाह की किताब है ये तो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ जो लोगों के लिए हिदायत है जिसमें हिदायत के लिए और हक व बातिल में फर्क करने के लिए निशानियां हैं सूरत-ul-बकरा तो इसलिए हमें भी रमजान में कुरान का एहतमाम करना चाहिए खास तौर से कुरान का कुरान से ताल्लुक हमें जोड़ देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए अच्छा ये जो दुआ पीछे बताई गई थी रमदान की अः अल्लामी आखिर तक ये दुआ सिर्फ रमजान के लिए नहीं है हर नए चांद को देखने के देखने की ये दुआ है हम हर नए चांद को देख कर ये दुआ पढ़ सकते हैं जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए चांद को देखते तो वो ये दुआ पढ़ते और आप रमजान से पहले लोगों को ये कहा करते थे कि ए लोगो ये बरकत वाला महीना तुम्हारे नजदीक आ रहा है और अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम इस महीने में रोजे रखो इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इस महीने में एक रात है जो हजार महीनों से बेहतर है जो इस महीने में अल्लाह की बरकत से महरूम रहा वो सच में एक महरूम शख्स है ये मसंद अहमद की रिवायत है तो इससे हमें क्या पता चला कि इस महीने को हमें खुश करना है इस महीने में जो एक रात है उसको तलाश करना है खास तौर से उसको हमें ढूंढना है और उसको पढ़ना है जो कि आखिर में जो ताक रातें आती हैं उसमें इनको ढूंढना है अब फिर देखें कि रोजा अब इतनी सारी फजीलतें मैंने रोजे की बता दी इतने तो सारे सवाब बता दिए अब ये है क्या रोजा क्यों और क्या मीनिंग है इसके रोजे के तो रोजे को अरबी जुबान में सोम कहते हैं और सोम के मायने होते हैं रुक जाना यानी अल्लाह के से जायज चीजों से अपने आप को रोक लेना अरबी में साइम उस घोड़े को कहा जाता है जिससे उसका मालिक जिससे उसे प्यासा रख कर खूब दौड़ाता है ताकि उसमें कुत बर्दाश्त यानी बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो जाए और वो जंग की सख्ती बर्दाश्त करने के काबिल बन जाए तो इसमें जो है अपने आप को रोके रखना है तो सोम का मतलब ही है अपने आप को रोकना और इसके अंदर तकवा ज्यादा से ज्यादा तकवे के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि रोजा हमें किसकी तरफ लीड करता है रोजा हमें कहाँ ले जाता है रोजा हमें तकवे की तरफ ले जाता है और तकवा क्या होता है अल्लाह सुबहान की नाराजगी और अजाब से बचने के लिए उन कामों से रुक जाना जिनसे अल्लाह सुबहाना ने मना यानी गुनाहों से बचना ये क्या कहलाता है तकवा कहलाता है अब रोजे के मकसद क्या है भूख और प्यास को कंट्रोल करने के लिए अपने अंदर तकवा पैदा करना नंबर वन यानी भूख और प्यास इंसान के अंदर आ, हमें हमारे अंदर कंट्रोल पैदा होता है कुतें बर्दाश्त पैदा होती है और बहुत सारी बीमारियों से हम बचते हैं रोज़े के अंदर आप साइंटिफिकली भी इसके इसके फायदे पड़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि, कि कितनी सारी बीमारियों से बचा जाता है रोजे में और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको कितना रिलीफ मिलता है रमदान में नींद को कंट्रोल करना हमें रोजे का और शहवत को कंट्रोल करना नफ्स पर काबू पाने की तरबियत हो जाती है यानी हम अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं रोजे से जिस्मानी और रूहानी दोनों फायदे हासिल होते हैं और रमजान में तो रोजा रखना फर्ज है सबसे बड़ी ये बात है कि फर्ज है तो हमें इसको हर हाल में करना ही करना है क्योंकि कुरान में क्या आता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिए गए जैसे उन लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे जो तुमसे पहले थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो तो ताकि हमें तकवा हो तो तकवे के लिए यानी अगर हम मुतकी बनना चाहते हैं तो भी हमें रोजा रखना है और ये फर्ज है और फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में रोजा एक है ठीक है क्योंकि क्या फरमाया आपसे समझें कि रोजा इस्लाम की बुनियादी फराइज में से एक फर्ज है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रोजेल्ला ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है कलमाए शहा दूसरा नमाज तीसरा ज़कात अदा करना चौथा हज पांचवा रमजान के रोजे रखना ये बुखारी की रिवायत है तो, तो, तो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक है रोजा अब इसमें मेन पॉइंट किन पर ध्यान देना है रोजे की फजीलत जो बता दी जो कि पीछे बता दी गई कि रमज़ान शुरू होते ही क्या होता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं उम्रे का सवाब जो है हज के बराबर हो जाता है क्यामत के दिन रोजा सिफारिश करेगा बाबुल रयान से वो लोग एंट्री करेंगे इतने सारे फजाइल है रोजे के और अल्लाह लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं रमज़ान के हर रात को और इससे हमारे अंदर तकवा बढ़ जाता है तो ये आप लोगों को बताएं कि कितनी ज्यादा खजिलतें हैं रमजान के रोजे रखने की फिर देखें और ये भी आपको बता दिया गया कि रमजान और रमजान के रोजे और किस तरह कुरान जो है वो सिफारिश करता है और किस तरह गुना और रोजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होता है हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज वजल फरमाते हैं कि आदमी हर नेक अमल का सवाब दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक नियत और खलूस के मुताबिक बढ़ा चढ़ा कर उसको दिया जाता है यानी जो भी हम नेक काम करते हैं अगर नियत के साथ करें खुलूस के साथ करें तो उसको सवाब कितना मिलता है दस से लेकर सात सौ गुना तक मिलता है लेकिन रोजे के सवाब के बारे में अल्लाह कहते हैं कि ये मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा और रोजेदार अपनी सारी ख्वाहिशात और खाना पीना सिर्फ मेरे खातिर छोड़ता है और रोजेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं एक खुशी रोजा इफ्तार करते वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त मजीद आप वसल्लम ने फरमाया रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह तश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है नीज आपने फरमाया कि रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है आग से ढाल है लिहाजा जिस रोज तुम में से किसी का रोजा हो वो इस रोज ना तो फौहश गोई करे यानी कि गंदी बातें ना करे बेहुदा बातें ना करे किसी को बुरा भला ना कहे लड़ाई वगैरह की कोशिश ना करे ये मुस्लिम की रिवाय रोजा रखकर खास तौर से हमें बुराइयों से बचना है ऐसा नहीं कि रोजा रख लिया और किसी को गाली दे रहे हैं किसी की कर रहे हैं किसी की चुगली कर रहे हैं तो इन सब कामों से हमें बचना है <स्थाथ> तो अल्लाह क्या कहते हैं कि मैं खुद उसकी जजा दूंगा यानी रोजा मेरे लिए मैं उसकी जजा दूंगा और अल्लाह ताला ने बताया नहीं इसका सवाब कितना है तो इसका मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना मिलेगा नियत के अकॉर्डिंग मिलेगा और अल्लाह ताला बहुत सवाब देंगे इसका और देखे एक फर्ज रोजा बिना किसी वजह से छोड़ देना यानी विदाउट एनी रीजन छोड़ देना सारे उम्र के रोजे का कफारा भी नहीं बन सकता क्योंकि हमने बिना किसी रीजन के बैठे बैठे रोजा छोड़ दिया तो हम सारी उम्र भी रोजा रखते रहे तो वो उस रोजे का कफारा नहीं बन सकता हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बिना किसी वजह से या बिना किसी बीमारी से एक रोजा भी छोड़ दिया सारी उम्र के रोजे भी उसका कफवारा नहीं बन सकते ये बुखारी की रिवायत यानी अब वो रखता रहे और कफारा उसका उतरेगा ही नहीं तो बिना किसी रीजन के रोजा नहीं छोड़ना चाहिए हाँ कोई बीमारी है कोई वजह है तो रोजा छोड़कर उसकी कजा बाद में रखी जा सकती है और रोजा छोड़ने वाला महरूम है और रोजा छोड़ने वाला बदनसीब है रमजान की बरकतों से महरूम रहने वाला बदनसीब है तो उसकी बरकतों उसकी बरकतें हमें हासिल करनी है और फिर देखें कि रोजा वक्त से पहले खोलने का कितना बड़ा गुना है रोजा वक्त से पहले खोलने का इतना बड़ा गुना है तो छोड़ने का कितना बड़ा गुना होगा ये हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ये तवील हदीस है एक के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन, उन, उन कुछ लोगों को देखा कि उनके मुंह जो थे वो चीरे जा रहे थे और वो आग में थे उनके मुंह जो है वो चीरे जा रहे थे वो चीख रहे थे चिल्ला रहे थे तो आप अलैहि वसल्लम ने जब अमीन से पूछा कि ये कौन लोग है तो जबली अमीन ने कहा कि ये वो लोग हैं जो कि रोजे को वक्त से पहले तोड़ दिया करते थे वक्त से पहले खोल दिया करते थे यानी जब उसकी इतनी बड़ी सजा है तो जरा ये सोचे कि जब रोजा हम जान के छोड़ देंगे तो उसकी क्या सजा है? और फिर नाजायज काम क्या है यानी वो काम रोजे में जो कि हमें नहीं करने एक तो ये कि किन कामों से हमें बचना है एक तो गिबत करना झूठ बोलना गाली देना लड़ाई झगड़े करना रोजे की हालत में जायज़ नहीं यानी इन सब से रोजे का सवाब कम हो जाता है हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है आप वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रोजा रखकर झूठ बोलना और उस पर अमल करना तर्क ना करे यानी ना छोड़े तो अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे ये बुखारी की रिवायत यानी अल्लाह को फिर जरूरत नहीं कि वो भूखा रहे तो इस ये काम नहीं करने रोजे की हालत में खास तौर से बुराइयों से बचना है खास तौर से इस बात का एहतमाम करना है रोजे की हालत में बेहुदा बातें फहश बातें और जहालत की बातें करना भी मना है इनसे भी हमें रुकना है और जो रोजेदार अपनी शहवत पर काबू ना रखता हो उसके लिए बीवी के पास आना या बोसा लेना भी जायज नहीं यानी अगर कोई अपनी शहवत पर और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता भी तो भी भी फिर वो बीवी को किस भी ना करे क्योंकि वैसे तो की जा सकती है क्योंकि देखिए हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे की हालत में बीवी से अः भुगल यानी गला लगना इसके बारे में पूछा तो आप वसल्लम ने उस, उसे इजाजत दे दी फिर एक और आदमी आया उसने भी वही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना कर दिया अबू हुरैरा कहते हैं कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी वो बुढ़ा था और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया वो जवान था अबू दाऊद की यानी अगर रोजा रखकर कोई अपनी शहवत पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो किस वगैरह से या गले लगने से भी बीवी से परहेज करे क्योंकि इसमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है और रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना जायज नहीं कि वो पानी हलक तक पहुंचे ठीक है यानी सिर्फ जैसे हम वजू करते हैं तो सिर्फ इतना ही पानी चढ़ाएं जितना थोड़ा सा ऊपर तक यानी इतना ज्यादा ना हो कि वो हमारे हलक तक चला जाए तो इन सब बातों का ध्यान देना है हमें ये सब बातें नहीं करनी ये सब बातें जो है ये सब चीजें रोजा तोड़ देती हैं आगे भी मैं बताऊंगी रोजा किन किन चीजों से टूटता है भूल चूक से खा पी लेना जो है इससे रोजा नहीं टूटता ये पीछे भी हदीस बयान हो गई है कि अगर कोई भूल चूक से खा ले तो ना ही रोजा टूटता है ना ही रोजा मकरू होता है और मक मिसवाक करने से रोजा मकरू भी नहीं होता यानी रोजे की हालत में मिसवाक की जा सकती है हजरत आमिर बिन रबीहा से रिवायत है कि मैंने आप वसल्लम को रोजे की हालत में इतनी मरतबा मसवाक करते देखा कि गिन नहीं सकता ये बुखारी की रिवायत तो रोजा रखकर मिसवाक की जा सकती है गर्मी की शिद्दत से रोजेदार सिर पर पानी बहा सकता है यानी सिर पर पानी बहाने से रोजा मखरू नहीं होता रोजे की हालत में अगर मजी खारिज हो जाए या एहतलाम हो जाए तो रोजा ना ही टूटता है ना ही मकरू होता है क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तु और हजरत इक्रीमा रजील फरमाते हैं कि रोजा किसी चीज चीज के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता यानी अगर ऐसे ही बैठे बैठे अगर मजी खारिज हो जाए या कोई लिक्विड बाहर आ जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता सर में तेल लगाना कंघी करना या आंखों में सुरमा लगाना क्या इनसे रोजा टूटता है नहीं टूटता क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि हम मसाज कर सकते हैं हम सर में तेल लगा सकते हैं कंघी कर सकते हैं यस कर सकते हैं उससे रोजा नहीं टूट सकता हंडिया का जायका चखना या थूक निकलने से रोजा मकरू नहीं होता ना ही टूटता लेकिन जायका चखने से अवॉइड करना चाहिए ये तब होता है जब कोई मजबूरी हो ठीक है लेकिन इससे बचना चाहिए मक्खी यानी मुंह खोले मुंह खोला और ऐसा होता है कि मक्खी हलफ में चली जाए तो उसके जाने से या बाहर निकलने से रोजा मकरू नहीं होता इसकी भी हदीस है यहाँ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर हदीस कोट कर दी गई है मैं जो है थोड़ा जो रह जाए तो आप इस स्लाइड में इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप इसमें से उसको पढ़ लें अगर किसी पर गसल फर्ज हो लेकिन देर से उठे तो वो सहरी खाकर गुसल कर सकता है अलबत् सहरी से पहले वजू कर लेना चाहिए मा, मान लीजिए रात को किसी ने इंटरकोर्स किया अपनी बीवी से और वो सुबह को ए, उठा और उसके पास या तो इतना टाइम था कि वो सहरी कर ले या फिर गुसल कर ले तो फिर क्या करें वो पहले सहरी कर ले कुल्ली करे और सहरी कर ले और सहरी करने के बाद फिर वो गुसल कर ले यानी नमाज से पहले पहले फिर वो गुसल कर ले तो ऐसे किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है इस चक्कर में लोगों की सहरी छूट जाती है सहरी नहीं कर पाते कि हमें गुसल करना है और फटाफट गुसल -फट करते हैं तो अगर थोड़ा टाइम है तो उठे पहले कुल्ली करें और फिर सहरी कर ले और उसके बाद अगर टाइम निकल भी गया तो आप नहाकर गुसल यानी गुसल कर सकते हैं हाँ लेकिन कोशिश करें कि शहरी से पहले वजू कर लें ठीक है रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना यानी किस करना जायज है बशर्ते ये कि वो जज्बात पर काबू रखता हो यानी जज्बात अपने कंट्रोल में रखे इसकी शर्त लगा दी हाँ, और गर्मी की शिद्दत से गुसल भी किया जा सकता है और कुल्ली भी की जा सकती है क्योंकि हम जब वजू करते हैं हम तब भी कुल्ली कर लेते हैं और रोजे में कपिंग यानी हिजामा करवाना भी जायज़ है ठीक है अगर हमारी हेल्थ ऐसी है कि चक्कर नहीं आ रहे या कोई परेशानी नहीं हो रही तो रोजे की हालत में हिजामा यानी कपिंग करवाई जा सकती है क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील तु फरमाते हैं कि आप सल्ला वसलम ने रोजे की हालत में हिजामा करवाया बुखारी की रिवायत अच्छा आ, ये चीज कुछ चीजें हैं जो कि हमें रमजान के रोजा रखकर अवॉइड करनी चाहिए सॉरी अलाव है इन, ये चीज़ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अलाव है जो मैंने अभी बता दी इन शॉर्ट ये है कि आप इनका स्क्रीन शॉट लेकर भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि रोजे की हालत में हम क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या अलाव है किन चीजों से रोजा नहीं टूटता नोज ब्लीड यानी खून का निकल जाना अगर नाक से खून बह रहा है तो उससे रोजा टूटेगा या नहीं नहीं टूटता फिर रिमूविंग यानी दांत निकलवाना तो रोजा उससे टूटता है नहीं टूटता रोजा उससे नहीं टूटेगा लेकिन ये ख्याल रहे कि खून बहुत ज्यादा नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उससे फिर चक्कर आ सकते हैं कोई परेशानी हो सकती है तो बहुत ज्यादा खून नहीं निकलना चाहिए तो अवॉइड करे हाँ लेकिन मजबूरी है तो डॉक्टर के पास जाकर दांत निकलवाया जा सकता है रोजे की हालत में ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है रोजा नहीं टूट सा लेकिन ये ख्याल रहे कि बहुत ज्यादा खून ना निकाला गया हो टूथपेस्ट यूज करना टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है लेकिन वो गले तक नहीं जाना चाहिए गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए इसलिए टूथपेस्ट लोग अवॉइड करते हैं मिसवाक करें टूथपेस्ट अवॉइड करें रोजे की हालत में आई ड्रॉप यूज की जा सकती है यानी अगर हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है और आई ड्रॉप है तो आई ड्रॉप से रोजा नहीं टूटता हाँ लेकिन नोज ड्रॉप यूज करने से रोजा टूट जाता है क्योंकि नाक के अंदर जो ड्रॉप डाली जाती है नोस्ट्रिल्स में जो ड्रॉप्स डाली जाती है वो सीधा हलक में जाती है आंखों की जो होती है वो हलक में नहीं जाती तो इसलिए नाक में नहीं डाली जा सकती दवाई लेकिन आंखों में डाली जा सकती है काजल यूज किया जा सकता है काजल या सुरमा उससे रोजा नहीं टूटता ईयर ड्रॉप भी डाली जा सकती है यानी बहुत अगर कानों में दर्द है बहुत शिद्दत है तो ईयर ड्रॉप यूज की जा सकती है इनहेलर इनहेलर ऐसा जो कि जो कुछ नाक से इनहेल किया जाता है तो वो हलक में नहीं जाता तो वो वाला यूज किया जा सकता है लेकिन जो हलक में जाता है दवाई वो द, उस दवाई से रोजा टूट जाएगा लिक्विड परफ्यूम यूज करना उससे रोजा नहीं टूटता बुखूर बुखूर अरेबिक में वुड यानी लकड़ी के चिप्स को कहा जाता है जिन्हें जिन्हें जो है प्योर खुशबू वाले ऑयल में सोक किया जाता है उसको लगाना उसको लगाना मनाए उसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है स्मोकिंग स्मोकिंग से रोजा टूट जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से रोजा टूट जाता है किस करना और गले लगना हग करना इससे रोजा नहीं टूटता लेकिन अपनी अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना है वेट ड्रीम्स यानी अगर कोई सो जाता है वेट ड्रीम्स होती है मेल्स को होती है खास तौर से तो उससे रोजा नहीं टूटता मस्ट्रोबेशन उससे रोजा टूट जाता है माउथ में या टीथ में बचे हुए फूड पार्टिकल्स उनको जो है हमें मुंह में नहीं लेने चाहिए मुंह जो है अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए अगर मुंह में कुछ रह गया हो तो उससे हमें अच्छे से उसको कोशिश करें कि वो हल्क के अंदर ना जाए और कुल्ली कर ले वॉमिट हो जाना यानी उल्टी हो जाना उससे रोजा नहीं टूटता लेकिन जानबूझ कर वॉमिट नहीं करनी चाहिए अगर किसी ने जानबूझ के उल्टी करी तो उससे रोजा टूट जाता है कॉस्मेटिक्स यूज करना जैसे क्रीम मेकअप एक्सेट्रा इनसे रोजा नहीं टूटेगा हाँ लिपस्टिक अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो बार बार मुंह में जाती है मिसवाक यूज करना उससे रोजा नहीं टूटेगा माउथ वॉश यूज करना रोजा नहीं टूटेगा लेकिन माउथ वॉश गले के अंदर नहीं जाना चाहिए तो इसलिए अवॉइड करें तो बेहतर है स्विमिंग स्विमिंग से रोजा नहीं टूटता लेकिन पानी हमारा नाक या मुंह के जरिए अंदर ना चला जाए गले के अंदर ना चला जाए इसलिए स्विमिंग भी रोजे की हाल, हालत में अवॉइड करनी चाहिए स्लीपिंग बैक बाइटिंग यानी चुगली करना उससे जो है रोजे रोजा तो नहीं टूटता लेकिन रोजे का स्वभाव कम हो जाता है जानबूझकर कुछ खाना या पीना उससे रोजा टूट जाता है किसी पर और मिस्टेक्स जो हम करते हैं और हमें अवॉइड करनी चाहिए रोजे की हालत में ज्यादा किसी के ऊपर बड़बड़ करना या बहुत ज्यादा किसी पर गुस्सा होना पूरे दिन सोते रहना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन सोकर निकाल देते हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए और क्योंकि फास्टिंग विदाउट प्रेयर जो है उसका कोई फायदा नहीं तो रोजे की हालत में ऐसा नहीं है कि पूरा दिन सोकर निकालें बल्कि इबादतों में वो दिन निकालें क्योंकि ये एक ही महीना है जो हमें मिला है और क्या बोल रहे हैं सोच समझकर बोलें और फिर देखें कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम रमजान में करते हैं जी हाँ अब ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग रमजान में करते हैं Uh, कुछ लोग रोजाना मिल्क शेक पीते हैं क्योंकि ये हम करते हैं इसलिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर जो कि हमें अमूमन ये सब बातें बहुत कम लोग ही बताते हैं एक तो रोजाना जो हम मिल्क शेक पीते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर मिलावट और तरह तरह के हार्मफुल कलर होते हैं तो हमें रोजाना तो इनको अवॉइड करना चाहिए सुन्नत चीजों पर ज्यादा ज्यादा हमें ध्यान देना है ठीक है अगर आप कुछ अगर आप पीना ही चाहते हैं इन सब को तो हफ्ते में एक या दो बार ले लें लेकिन रेगुलर बेसिस पर कलर्स को और मिल्क शेक्स को अवॉइड करें जैसे खजूर शेक ले लें या जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो लें नींबू पानी वगैरह होता है आ, ये सब चीज़ें लें जो जिसमें कलर्स वगैरह नहीं होते नेचुरल चीज़ें होती हैं इन सब का ध्यान रखें और अवतार के टाइम बहुत ज़्यादा पानी पीना बहुत लोग यही करते हैं ना पानी पी पीकर पेट भर लेते हैं और कहते हैं अब खाने, अब खाया पिया नहीं जा रहा तो नहीं ये ये मिस्टेक है हम जो करते हैं हमें नहीं करना ये अवतार के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि एकदम इतना पानी पीने से पेट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और फिर अगर देखे पेट अगर हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे और अगर पेट खराब हो गया ना तो हम भी खराब हो जाएंगे हमारा जिसम भी खराब होगा तो पेट को सही रखना है तो बहुत सारा पानी नहीं पीना और रफ्तार के टाइम थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए और फिर हर दो घंटे बाद या हर एक घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं लेकिन उस वक्त एकदम इतना सारा पानी ना पिए और हेल्दी कोशिश करें कि हमारी जो डाइटरी है यानी हमारी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट हो जैसे कि वेजिटेबल्स हों ग्रीन हो फ्रूट हो प्रोटीन वाली चीजें हों हेल्दी ऑयल्स हों वाटर और ड्रिंक्स भी ऐसे हों जो कि फायदेमंद हों जैसे कि मैंने जो है तिब में मैंने खास तौर से बताया था कि जैसे आप ड्रिंक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया करते थे तो आप भी उसको बना कर रख सकते हैं तो जो कि तैयार की जाती है खजूर से या फिर अंगूर से या फिर छुआरे से ये ड्रिंक तैयार की जा सकती है यानी कोई एक चीज ले लें आप खजूर ले लें ले, या आप वो ले लें किशमिश ले लें ले, या मुनक्का ले लें मुट्ठी भर आप उसको पानी में भिगो दें सोख करके रख दें और उसको अगले दिन पी लें इस तरह भी आप ये कर सकते हैं ये एक इससे बहुत ज्यादा हेल्थ मिलती है और फिर न्यूट्रिशन का ज्यादा ध्यान दें रमजान के महीने में और हाँ अब फिर देखें कि ये इन शॉर्ट बता दिया गया है कि रमजान मुबारक की जो है तैयारियां ये खास तौर से चार्ट बना दिया गया है आपके लिए कि आप खास तौर से इन बातों का ध्यान रखें एक तो क्यामल लैल की आदत डालें कोशिश करें कि लंबी नमाजों की आदत आपको अभी से पढ़े मसरूफियात में कमी करें अपनी यानी जो हम टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं कोशिश करें अब हमारा टाइम वेस्ट ना हो इंटरनेट से थोड़ा सा हम थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि हम जो है उसमें हम टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं और मीनिंगफुल चीजें हम कम देखते हैं तो इबादतों का महीना है तो ज्यादा से ज्यादा इबादत की तरफ ध्यान देना है और वक्त का यानी टाइम की वेस्टेज ना करें नफली इबादत का एहतमाम करना है रमज़ान में और अपने वक्त की तरतीब बना देनी है यानी अपना एक टाइम टेबल बना देना है रमजान में कि इस वक्त मुझे ये पढ़ना है इस वक्त मुझे ये करना है इस वक्त ये करना है हाँ घर के कामों पर भी ध्यान देना है बच्चों पर भी ध्यान देना है लेकिन सारा टाइम जाया नहीं करना अपने कामों को मैनेज करें एक टाइम टेबल कामों का भी बनाए अपने कामों को मैनेज करें ताकि आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम कर कुरान मजीद पर ज्यादा ध्यान देना है कुरान की तिलावत करनी है और जो दौरे कुरान होगा उसको सुनना है और ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है अभी जो है आप जो है अपने रिश्तेदारों को भी उसमें ज्वाइन करा सकते हैं जो अब दौरे कुरान होने वाला है और जितने अगर आप जितने लोग आपके जरिए सुनेंगे स्वाब उसका भी स्वाब आपको मिलेगा क्योंकि आपको पता है ना हर नेकी का स्वाब बढ़ जाता है रमजान में अगर रमजान में आप एक नफिल भी पढ़ते हैं तो उसका स्वाब आपको फर्ज नमाज के बराबर मिलता है तरह सोचे कि अगर आपके जरिए कोई कुरान सुनेगा यानी आपने उसको सिर्फ एक बार बता दिया इन्फॉर्मेशन दे दी और आपके जरिए उसने पूरा कुरान सुन लिया तो कितना सवाब मिलेगा अनकाउंटेबल सदका करने की आदत डालनी है रमजान में खास तौर से ध्यान रखना है इसका और बच्चों को भी सदका बच्चों के हाथों से भी सदका करवाएं उनको भी आदत डलवाएं बच्चों को अपने छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद जा रहे हैं या कोई घर में आया है मांगने वाला तो छोटे बच्चों से कहें कि चलो आप दे कर आओ ताकि उनको भी इसकी आदत हो मस्जिद में ठहरने की आदत डालें अब अभी हालात अलग है सिचुएशन अभी अलग है लेकिन जब हालात सही हो तो मस्जिद में ठहरने की भी आदत डालें और जरूरत की चीजें जो है वो रमज़ान से पहले ही खरीद लें रमजान में बहुत ज्यादा खरीदारी ना करें बहुत जरूरत की खरीदारी करें शॉपिंग है ईद की शॉपिंग है वो सब रमजान से पहले करें क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है तो ये सब रमजान के दिनों में ना करें रमजान से पहले जरूरत की चीजें खरीद कर रख लें और रमजान से पहले ही जो हमारे छुटे हुए रोजे हैं उनको रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि देखें कि अभी लेडीज के पीरियड्स में रोजे छूट जाते हैं क्योंकि पीरियड्स की हालत में रोजे नहीं रखने हाँ एक मेन पॉइंट था जो ये छूट गया था कि पीरियड्स चाहे मगरिब से यानी अः अफतार से एक मिनट पहले हो रफ्तार के टाइम से या दो मिनट पहले हो या एक घंटा पहले हो या दोपहर के वक्त हो या सुबह के वक्त हो रोजा टूट जाता है तो चाहे उस रोजे को कंप्लीट करें या तो कुछ खा पी लें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कुछ लोग पूछ कहते हैं कि दो बज गए तीन बज गए और हम पीरियड से हो गए तो क्या हम हमें जो है खाना पीना चाहिए या पूरा कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू करेंगे सब आप तो मिलेगा लेकिन रोजा टूट गया ठीक है तो रोजा टूट गया उसकी कजा तो अब रखनी पड़ेगी इसलिए कुछ खा पी लें तो ज्यादा बेहतर है रोजे की आदत डालें खाने की मकदार में कमी करना शुरू करें क्योंकि खाने बहुत अगर खाते पीते हैं तो रोजा रखना मुश्किल हो जाता है अल्लाह तला के जिक्र की कसरत करें नफिल नमाजों का एहतमाम करें नींद के औक़ात में भी कमी करें कैलूला का एहतमाम करें यानी दोपहर के वक्त जो सोया जाता है उसका भी तौर से एहतमाम करें क्योंकि उससे इंटरनली ताकत मिलती है और जहन साजी भी करें सिगरेट से बचें और रोजे के मसाइल पर ध्यान दें दुआओं की कसरत ज्यादा से ज्यादा करें अखलाक अपने सुधारें अखलाक अच्छी होने चाहिए नियत अच्छी होनी चाहिए और दिल को अल्लाह ताला के लिए फारिग करना है यानी हमारा दिल किसके लिए फारिग होना चाहिए अल्लाह ताला के लिए तोबा तोबा में जल्दी करें ज्यादा से ज्यादा तोबा करें और जल्दी जल्दी तोबा करें और ज्यादा से ज्यादा अस्तफार पड़े ठीक है इन सब बातों में हमें ध्यान देना है दूसरों को बिना वजह परेशान नहीं करना दूसरों को बिना वजह जो है बैक बाइटिंग वगैरह ये नहीं करनी और फिर ये देखें कि दौरे कुरान जो है जो किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है तो हमारी एकेडमी एक दौरे कुरान इस बार ऑर्गेनाइज कर रही है तो दौरे कुरान में जो है आपको कुरान सुनाया जाएगा दौरे कुरान में आपको सिंपल लैंग्वेज में कुरान सुनाया जाएगा ठीक है तो इसको आपको सुनना है Huh. तो जब ये दौरे कुरान आप सुन रहे होंगे आपको इजी लैंग्वेज में सुनाया जाएगा अरबी अरबी नहीं पढ़ी जाएगी इसके अंदर आपको मीनिंग मीनिंग सुनाई जाएंगे और कुरान को समझाया जाएगा और इसमें मेन बातें जो है आपको बताई जाएंगी और आप जो है दौरे कुरान यानी जब आप कुरान सुन रहे हो तो आप हाईलाइटर लेकर बैठ सकते हैं जैसे कुछ कलर्स के हाईलाइटर आप बैठ लेकर बैठ सकते हैं और आप आयतों को अंडरलाइन कर सकते हैं कैसे जैसे पिंक कलर अगर मान लें मिसाल के तौर पर पिंक कलर का अगर आपने हाईलाइटर लिया है तो आप उसको हार्ड टचिंग आयत के लिए रख सकते हैं कोई आयत ऐसी आ गई कि वो आपके दिल को छू गई तो आप उसपे पिंक कलर कर दें ताकि आपको पता चल जाए जितनी भी पिंक लाइनें हैं कुरान के अंदर जितनी भी पिंक है ये हार्ड टचिंग है ये मुझे मेरे दिल को छू गई और इसी तरह ब्लू कलर यानी अगर कोई अहकाम है अल्लाह ताला आपको ऑर्डर दे रहे हैं कोई अहकाम दे रहे हैं तो आप उसको ब्लू कलर से अंडरलाइन कर लें ताकि आपको ये पता चले कि जितने भी ब्लू कलर हैं वो अहकाम है वो मेरे करने के काम है ग्रीन कलर से दुआएं जितनी भी दुआएं आएंगी उनको आप ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लें ऑरेंज कलर है दावा आयतें आएंगी यानी दावत की आयतें किसी को बताने की या जो दावती मैदान में, में यूज की जाती है तो उनको आप ऑरेंज कलर से अः हाईलाइट कर लें इसी तरह रेड कलर से जो वार्निंग्स अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं वो आप रेड कलर से मार्क हाईलाइट कर सकते हैं तो इस तरह आपका बहुत खूबसूरत और पर्सनल कुरान बन जाएगा कि जैसे ही आप खोलेंगे आपको एक एक चीज अलग अलग समझ में आ रही होगी कि मुझे ऑर्डर्स क्या मिले हैं मुझे हाँ मेरे लिए हार्ट टचिंग आए थे क्या है मुझे दावा आए थे क्या है वार्निंग्स क्या है दूसरों को बताने के लिए भी और खुद भी समझने के लिए भी तो तो दौरे कुरान का को रेगुलर बेसिस पर सुने और इनशाला एक या डेढ़ घंटे का होगा ये और डेढ़ घंटे से ज्यादा ये नहीं होगा लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ नफ्स पर कंट्रोल करके और पूरे एहतमाम से और खुलूस के साथ आपको इस दौरे कुरान में को सुनना है और पूरा कुरान मुकम्मल करना है क्योंकि रमदान में एक कुरान पूरा करना उसका सत्तर कुरान पूरे करने के बराबर सबाब मिलता है अगर मायनों से आप पढ़ेंगे मायनों से कुरान सुनना सोच समझ कर गौर फिक्र करके सुनना उसका सवाब तो बहुत ज्यादा होता है उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते ठीक اليك سبحان ربك رب العزه न शहदा والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا वसलामसिनमती हमर